तो
पौधे में पत्ती हो, तना हो, जो भी स्थिति है, उन सब में क्या होगा? बाल की तरह ऊतक होगा, और उस ऊतक को क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा या नरम्य। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा उसके बाद बाह्य त्वचा के क्या हो जाते हैं? उपांग। बाह्य त्वचा के क्या होंगे? उपांग का मतलब क्या है? उसके कुछ भाग होंगे, जैसे त्वचा पर और भी हिस्से होते हैं ना, जैसे कि बाल है, नेल्स है, तो वो क्या है हमारे बॉडी में उसके अलग अलग हिस्से। ठीक वैसे ही पौधों में क्या होगा? रोम होगा, छिद्र होगा, है ना, वो क्या होगा? उसके उपांग होंगे। ठीक है, रोम का मतलब क्या होता है? हेयर। ठीक, तो सबसे पहले, और क्यूटिकल। ठीक, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? उपचर। जल का मतलब उसके उपांग सबसे पहले क्या आएगा? उप चलता हूँ, क्योंकि क्यूटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर की परत जो होती है, जो पत्तियों के ऊपर वैक्सी मतलब मोम की जैसी जो परत होती है, उसे क्या कहते हैं हम? उपचर। ठीक है, उस उपचर में क्या क्या होगा? जैसे क्यूटिन, मोम, गोंद, रेजिन, सिलिका, लिग्निन, ये सब इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। ठीक है, ये क्या होती है? सुरक्षात्मक परत। चल, क्या होगी? पौधे की सुरक्षात्मक परत होगी, और वो जो सुरक्षात्मक परत है वो किस तरीके की होगी? इसके अंदर, अच्छा, ज्यादातर पौधों में तो एक लेयर होगी, ज्यादा मोटी नहीं होगी, लेकिन जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मरुद्भिद का मतलब जो मरुस्थल में मिलते हैं, देखो भाई, मरुद्भिद भी दो तरीके के मिलेंगे आपको। मरुद्भिद हमने पढ़ लिया था ना, पौधों के प्रकार, आवास के आधार पर जलोद्भिद, मृदोद्भिद और मरुद्भिद, जलोद्भिद, लवणोद्भिद, है ना, शैलोद्भिद, बालुकाद्भिद, यानी जो बालू के ऊपर होते हैं, है ना। तो अच्छा, अब देखिए भाई, जो मरुद्भिद है उसका मतलब ये है जिन्हें पानी की कमी। अब वो पानी की कमी दो कंडीशंस में हो सकती है। पहला, तो जमीन पर पानी नहीं, जहां होंगे जैसे हम उसका, दूसरी चीज, जिस जगह वो हो गए वहां पानी तो है लेकिन उसकी प्रकृति दूसरी है, बर्फ, ग्लेशियर्स वगैरह के आसपास जो पौधे होंगे वो भी तो मरुद्भिद कंडीशन हो गई, वो भी तो 0 पॉइंटिंग है, लेकिन उनके पास जलाभाव है, क्योंकि जल जो है वो बर्फ के ऊपर, समझ आ गई बात? तो वो भी मरुद्भिद हो गया, लेकिन उसका वजह दूसरी, मरुद्भिद का सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि उसमें क्या है? तो आगे बात करते हैं हम सुरक्षात्मक परत होगी। तो मरुद्भिद पौधों में ज्यादातर क्या होती है? मोटी होती है। मरुद्भिद पादपों के अंदर क्या होगी? ये कुछ मोटी स्थिति में पाई जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या होगा? कुछ मोटी परत होगी, इसके अलावा क्यूटिन, मोम, गोंद, रेजिन, लिग्निन, इन सब का भी नीचे पर कई बार पाया जाता है। ठीक, कपिल, आई थिंक आपको अपना माइक बंद कर देते हैं, आवाज आ रही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप टाइप करके बताइए। ओके, ठीक है, गोंद, रेजिन, क्यूटेन, ठीक है ना, ये जो चीजें हैं, कई बार इनके भी मॉम के भी ना होगा मॉम। जमा होता है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या होगा? कभी कभी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्यूटिकल की परत है तो बहुत पतली होती है या अनुपस्थित होती है। ठीक है, जैसे जो पौधे जमीन के अंदर रहते हैं उनके अंदर क्यूटिकल होगी ही नहीं। ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ, यानी सॉरी, जल में, पानी में जो रहेंगे उनके ऊपर क्या होगी? क्यूटिकल की परत नहीं पाई जाती जनरली। कौन सी पाई जाती है उनके ऊपर? श्लेष्मा की परत पाई जाती है। ठीक है, म्यूकस की परत, जैसे वेलिसनेरिया का पौधा होता है वो जल के अंदर रहता है, तो हाइड्रिला है वो भी पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधों में कहीं ये ना हो कि वो सड़ जाए पानी की वजह से,
उसको बचाव करने के लिए क्यूटिकल की परत ना होगा कि वहां पर क्या होती है, श्लेष्मा है ना, म्यूकस की परत होती है। श्लेष्मा पता होगा क्या होती है, देखिए कभी। वैसे श्लेष्मा को अगर आपने समझना है तो श्लेष्मा सबसे पहले कहाँ ढूंढी गई थी, मनुष्य के जो नाक में हाँ होने के बाद जो पीला हरा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसको उठा करके फेंक देते हैं वही श्लेष्मा होती है, ठीक है। हाँ यही होती है, ठीक है, उसे म्यूकस बोलते हैं। इसी तरीके से पौधों में भी निकलती है, उसे क्या बोलते हैं, श्लेष्मा, ठीक है। पीला हरा सफेद सा चिपचिपा, ठीक है। तो अब वही होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, रंध्र क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट। अरे भाई गिरने के लिए आए तो क्या करोगे आप बताओ, मतलब अगर हाँ ठीक है बॉटनी में है ना, तो बॉटनी में तो आप सिंपली लिख छोड़िए कि जलीय पौधों में पाया जाने वाला सुरक्षा आग, ठीक है ना, जो उसे लसलसा बनाता है, चिपचिपा बनाता है, ठीक है। तो आगे रंध्र की बात करें तो रंध्र आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग रंध्र कैसे होते हैं, रंध्र को क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट है कहते हैं ना। तो रंध्र की संरचना तो आपने देखा होगा ऐसे, तो रंध्र मतलब होता है छिद्र, तो वायु कक्षा में छिद्र तो होंगे, अब छिद्र में तो कुछ होगा नहीं, उसके दोनों साइड जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, बीम, बीम या राजमा के आकार की होती है ना, उसे क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स या रक्षक कोशिकाएं कहते हैं ना। और उन रक्षक कोशिकाओं में देखो भाई इसकी संरचना आप लोग बना लीजिए है ना, और जो ऑनलाइन है वो लोग इसका देखो ऐसे बनाना है, फिर उसके बाद दूसरे वाले को भी ऐसे बनाना, ठीक है, फिर दोनों को ऐसे बनाना। अब तो थर्ड ईयर में हो, ये तो पूरा बनाना आता होगा मुझे नहीं लगता कि ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा, ये हो गया क्या, इंस्ट्रूमेंटा या रंध्र, ठीक है। और रंध्र की दोनों तरफ ये जो कोशिकाएं हो गई इनका नाम क्या हो गया, गार्ड सेल, या उसे क्या बोलते हैं, रक्षक कोशिकाएं। रक्षक कोशिकाएं मुख्य रूप से ऐसी बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी डंबल आकार की भी, ठीक है ना। रक्षक कोशिकाएं और इसकी चारों तरफ क्या होगा, यहाँ इस तरीके से कोशिकाएं होगी, ये ठीक है। तो ये जो कोशिकाएं आएंगी चारों तरफ की, इनका नाम क्या होता है, मध्योतक कोशिकाएं, पर्ण मध्योतक या मेसोतक कोशिकाएं, यही तो हरी कोशिकाएं हैं, ये वो हरी कोशिकाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण करेंगी आसपास की, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, पर्ण मध्योतक। पर्ण मध्योतक कोशिकाएं, ठीक है, या आपने पढ़ा होगा वैसे तो सेकंड ईयर में पढ़ा होगा ना, सेकंड पेपर में जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, श्वसन पढ़ा, हाँ इसमें पूरी स्ट्रक्चर आ जाती है कि इसमें कौन कौन सी सी फोर टाइप के ब्रांच होते हैं, सी थ्री टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अलावा क्या होगा, बाहर की कोशिकाएं जो होती है ना, हरे कवक में पाया जाता है कभी कभी, डंबल आकार की भी होती है, ज्यादातर पौधों में कैसी होती है, वृत्ताकार, लेकिन डंबल के आकार की कहा होंगे, देखो भाई ये गार्ड है, दो तरीके की मिलेगी आपको, वृत्ताकार मतलब किडनी के शेप की, पता है प्रकृति ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई है जो हमारे शरीर के हिस्से से मिलती जुलती है, वो हमें उसी शरीर के हिस्से पर बहुत ज्यादा फायदा देती है, जैसे किडनी वगैरह को ठीक करने के लिए राजमा, राजमा का शेप भी यही होता है। इसके अलावा दिमाग वगैरह को तेज करने के लिए अखरोट, देखो जरा कभी अखरोट का शेप और दिमाग का शेप है कि नहीं है, तो ये स्थिति है, मतलब प्रकृति ने भी पूरे सोच समझ के चीजों का निर्माण किया है, ठीक है ना, कि वो चीज उस जगह फायदा पहुंचाएगी उसके शरीर का हिस्से का जैसा ही उसका ऑर्गन का भी, ठीक। आगे तो गार्ड से रक्षक कोशिकाएं वृत्ताकार होती है या तो, और या फिर डंबल के आकार की, डंबलाकार, जो डंबलाकार होती है वो किसमें मिलेंगी, एक बीज पत्री में, एक बीज पत्री के लिए कहेंगे जिनके बीज में
एक ही बीज पत्र होता है। बीज पत्र जैसे कि एक बीज पत्र का उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, मक्का के दाने को आप कुल के दो में नहीं बांट सकते हो, चने को बांट सकते हो, है ना, सबको बांट सकते हो, इसको नहीं बांट सकते हो। तो ये एक बीज पत्र में आ गया। लेकिन जो चना है वो क्या करता है, बीज पत्र। बादाम घोल करके खाते हैं, हलवा बनाते हो, बादाम को जब आप भिगोते है ना, भिगोने के बाद उसका ऊपर का कवर हटाओगे, तो कवर हटाने के बाद वैसे जो एंड्रॉइड वगैरह पढ़ा दिया और फिर से वो कर दो, इसको ना आहिस्ता अलग करना, पूरा अलग नहीं करना है, तोड़ नहीं देना है, ताकत नहीं करना, आहिस्ता धीरे धीरे आप अलग करेंगे तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी ये। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, तो ये तो हो गए दोनों बीज पत्र, और ये जो है उसे क्या बोलते हैं, भ्रूण अक्ष, ऊपर की तरफ जो बना वो प्रांत, नीचे की तरफ बना। अब ये क्या है, मेरे टिफिन रखा था, ये दोनों बड़े होंगे और पूरा पेड़ हो जाएंगे, अब आप खा लो उसको पूरे टिफिन को भी और उसको भी, तो क्या होगा, इसमें जितना भी पौष्टिक चीजें होंगी वो सब आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब द्विबीज पत्री पौधे जो होंगे उनके अंदर वो कैसे रहते हैं, जैसे किडनी के आकार के स्टोमेटा, लेकिन जो एक बीज पत्री है उनके अंदर क्या होते हैं, डम्बल के आकार के गार्ड सेल्स रहती है स्टोमेटा के दो, ठीक है। अच्छा, इनकी एक खास बात हो जो होती है, आंतरिक भित्ति मोटी और बाहरी भित्ति पतली होती है, ये वाला है। अब आप ये मत कहना कि ये छिद्र की तरफ है तो ये बाहरी होगी, नहीं, ये भित्ति इस तरीके से, ठीक है ना, दरअसल इसमें आप देखेंगे क्या, आंतरिक भित्ति और इसकी जो है वो बाह्य भित्ति, तो ज्यादातर कंडीशंस में क्या होता है, आंतरिक भित्ति जो है इसकी वो मोटी होती है और बाहरी भित्ति क्या होगी, पतली होगी, ठीक है। और इसके अलावा भाई देखिए, जब जब ये दूसरे से पानी ले लेगी तब तक ये क्या होगी, फूल जाएगी। जब यहाँ से पानी निकल गया तो ये बिचक गई, बिचक गई तो ये क्या करेगी, यहाँ से पानी मांगी, जब जब ये पानी मांगी तब तब इसकी कोशिकाओं में कसाव होगा, कसाव होगा तो ये क्या होगा, तनाव की वजह से खुल जाएगी, खुल जाएंगी तो ये खुल जाएगा, लेकिन जब इसमें से पानी उड़ा देंगी तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ये कंफ्यूजन में आएगी, क्योंकि अब इसकी तन्यता खत्म, बिचक गई नहीं पूरी तरीके से, बिचक गई स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर दिन में बंद होगा, रात में बंद होगा, वो सब कुछ अब सेकेंडरी में पहुंच गया है, ठीक है। तो वायु त्वचा के उपांगों में क्या हो गया, रंध्र। रंध्र के बाद अगला क्या आता है, रंध्र का वितरण, ठीक है। ये आप लोगों से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि रंध्र के आधार पर पौधे की पत्तियां कितने प्रकार की होती है, ठीक है, ये पूछा जाएगा, ये आपको बताना है। जैसे कि कुछ पौधों में पत्तियां होती है उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र, जिनमें नहीं होती उन्हें अरंध्र, ठीक है। जिनमें दोनों तरफ होंगी वो नीचे की तरफ होगी तो अधोरंध्री, ऊपर की तरफ होगी तो परिरंध्री, दोनों तरफ होगी तो द्विपरंध्री, है ना, उसको अभिरंध्री बोलते हैं, उभयरंध्री स्थितियां देखने को मिलती है। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या, रंध्र के प्रकार, ठीक है। A pale knight of the Jupiter. यहाँ से टेक्निकल टीम करें। Anyway, आगे बात करते हैं, ठीक है ना, उसमें अभी रिजॉइन करवाएंगे तो आगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाह्य त्वचा के उपांग होंगे, इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम रंध्र का वितरण, है ना, रंध्रों का वितरण यानी पौधे में कहाँ कहाँ होता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ या किस तरफ है। तो अब पत्ती के जिसमें रंध्र होगा उसे क्या बोलेंगे, रंध्री पत्तियां, है ना। अब रंध्र के ऊपर से दो तरीके की हो जाती है, ऊपरी रंध्री, अधोरंध्री और उभयरंध्री, अरंध्री, चार तरीके की स्थितियां देखने को मिलती है, ठीक है। अरंध्री कौन से होंगे,
जिनमें रंध्र होंगे ही नहीं। रंध्र कहाँ नहीं होंगे, वरंध्र होते क्यों है, पानी का वाष्प उत्सर्जन, जल का वाष्प उत्सर्जन होना चाहिए। अब जो रही पानी के अंदर रहे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, हम पत्ती के आधार पर नहीं रंध्र के आधार पर वितरण पढ़ते। अगर पत्ती के आधार पर पढ़ते तब तो हम कैक्टस सीड देते नागफनी। अपोंशिया में कैक्टस अलग होता है और नागफनी अलग होती है, ये बात याद रखिए, पता होगा। कैक्टस को ही होता है, इसकी पकौड़ी बनती है, रायते बनती है, ऐसे छोटा सा होता है ना, जिसमें काटे काटे होते हैं। कई बार आपने देखा देखा ऑप्शन देखा होगा तो गमलों में लगाते हैं लोग, फुलाते हैं छोटा सा, है ना, वो तो होता है गमले में लगाते हैं ज्यादातर लोग इसको, उसमें फ्लावर्स आते हैं वो कैक्टस है। और जो नागफनी है ना, ये ऐसी ये अपोंशिया बोलते हैं, कैक्टस नहीं बोलते। क्या बोलते हैं, अपोंशिया। पत्ती में रंध्र नहीं है, ठीक है, लेकिन तने में होते हैं, अंदर की तरफ धंसे होते हैं पर होते हैं, ठीक है कि नहीं है, तो वो स्थिति अलग है। तो अब हम बात करते हैं रंध्र कितनी कितने प्रकार के, ठीक है, तो दो प्रकार, ठीक है, कौन कौन से हो गए। पहला हो गया ऊपरी रंध्र, ऊपरी रंध्र मतलब केवल ऊपर की सतह पर पाए जाएंगे, नीचे नहीं पाए जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कमल, ठीक है ना, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे याद रखना, ऊपरी रंध्र कौन सा हो जाएगा, कमल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अधोरंध्र, अधो का मतलब क्या होता है, नीचे, ठीक, तो अधोरंध्र जिसमें केवल नीचे की सतह पर होंगे, ऊपर वाली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, तो नीरियम में कनेर वर्ण। ठीक है, ये मैंने देख लिया, समझ में आया, रंध्र ऊपरी सतह। यहाँ क्या हो जाएगा, रंध्र के निचली सतह। क्या रहता है, उभयरंध्र, उभयरंध्र का मतलब दोनों सतहों पर रंध्र, ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो उसमें आ जाता है मक्का, गेहूं, ये ज्यादातर आपसे यही पूछा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मक्का या गेहूं में पाया जाता है, ठीक है, एक चीज देखना, यानी कि दोनों पत्ती की दोनों सतह, पर्ण की दोनों सतहों पर रंध्र उपस्थित, ठीक है। उसके बाद उभयरंध्री, अधोरंध्री, उभयरंध्री के बाद अगर क्या आता है, अरंध्री, है ही नहीं रंध्री, ठीक है। जब पौधे के अंदर रंध्री ही नहीं है पत्ती में, तो वो कौन सा हो जाता है, फोटोमोजिटोन आ जाता है। हाँ, कौन सा हो जाएगा, फोटोमोजिटोन। फोटोमोजिटोन यानी कि ये ज्यादातर क्या होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, उनमें जलीय या पराश्रय जो दूसरे के ऊपर है ना, पराश्रय पादपों में। रंध्र अनुपस्थित, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे बात करते हैं, रंध्र की बात क्या आएगा, क्रोम, या तो रंध्र होते ही नहीं है, या फिर क्या होते हैं, अक्रिय होते हैं, या तो होंगे ही नहीं, या होंगे भी तो काम नहीं करेंगे। क्यों, काम करने की जरूरत क्या है, हमें पानी ऊपर छोड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। अब आप रिटर्न कर दीजिए,